First of all, heartiest congratulations to you for the screening of your film Rashtraputra at Cannes. Please give us some insights about the Rashtraputra's journey at Cannes. I am very much excited, and I would like to thank my producer Kamini Dubey and entire Bombardovich team who helped me from day one. It all happened just because of them. The achievements what you got at an international market is a huge thing for any filmmaker. What made you to screen your film at international arena? My only reason to showcase my movie at Cannes was to spread the thought, philosophy and sacrifices of India's greatest revolutionary, Chandrasekhar Azad. Kya great thought is that? Jaisa ki hum sab jante hain, aapki film ko pure desh mein samman mila hai. Aur hum sab janna chahte hain ki Bharat se France tak ka ye safar, ye khoobsurat safar yun kahein, kaisa raha? Chandrasekhar Azad ke vyaktitva ko vishv ke kone kone pahunchane ke liye hum logon ne film banayi. और भारत में आज़ादी में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, इसके हकदार थे. तो ये मन के हर कोने में, जैसे मैं मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट हूँ नासिक का, पोस्ट मिलिट्री स्कूल का, तो मेरे मन में था कि जब भी कोई काम भविष्य में करेंगे हम लोग जो आज़ादी से के आसपास की वातावरण लेके चलेंगे हम लोग, तो इस चीज़ों को जो भी जहाँ भी दूर तक जा सके जाएंगे, तो विश्व पटल भी यानी वर्ल्ड सिनेमा ने पहली बार आज़ाद के रूप में क्रांतिकारी विचारधारा देखी और सम्मान मिला. इसमें कोई गलत नहीं, मेहनत स्ट्रगल कोई औचित्य नहीं, लक्ष्य की था कि चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने रखे और हमने करके दिखा दिया. अभी राष्ट्रपुत्र के बाद सर, अभी आगे का कोई मूवी का आपका प्लानिंग, कोई अभी कुछ और प्रोजेक्ट? अभी द पेट्रियट और ग्रेट पेट्रियट यानी इंग्लिश और फ्रेंच की फिल्म हम रिलीज करने वाले, शायद बॉम्बे की रिलीज करेगी शायद जुलाई के आसपास का, उस पर हम काम कर रहे हैं. 15-20 दिन का काम बाकी है. अगली दो फिल्में आप देखेंगे बहुत जल्द, द पेट्रियट इंग्लिश के रूप में और ग्रेट पेट्रियट फ्रेंच लैंग्वेज में. सर एक और बार आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में जिस तरीके की फिल्में बन रही है, तो आप एज ए राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर, बहुत सारे क्रांतिकारी जिनके बारे में शायद ही कोई चर्चा करता है आज के टाइम पे, पर आपने चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर फिल्म बनाने का ख्याल जो आपको आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आया, किस तरीके से आपने ये इसको इम्प्लीमेंट किया? मैंने पहले बताया आपको कि आज़ादी दिलाने में योगदान कई लोगों का था. सिर्फ कुछ लोगों तक आज़ादी के की कहानी को समेट देना, लपेट देना, ये उन सारे लोगों से अन्याय है जिन्होंने देश को आज़ाद दिलाने की जाने दी. वो चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चाहे खुदीराम बोस हो, मंगल पांडे हो, चाहे उधम सिंह हो, मतलब कई क्रांतिकारी उनका ने अपनी जाने देकर, वंदे मातरम के उद्घोष से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जाने देकर दिलाई उन्होंने. तो कहीं न कहीं उस व्यक्तित्व को, उस विचारधारा को, जैसे कहते हैं कि उस गरम दल नरम दल की विचारधारा थी, तो सारा नरम दल को ही योगदान दे देना, ये उन सारे लोग से अन्याय था. उस ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को हम लोग विश्व के कोने तक ले गए. ये साबित किया कि चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा ही देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया. उसी के रास्ते सुभाष चंद्र बोस बाद में चले, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई उन्होंने. तो हम लोग जो सोचे थे वो करके दिखाया, और विश्व के कान से फिल्म फेस्टिवल पे सम्मान मिलना, स्थान मिलना, मैं समझता हूँ कि एक सफलतापूर्वक पहला कदम हम लोग रखा है. ओके सर, और ऐसा भी सुनने में आया कि आपने इंग्लिश और फ्रेंच में भी फिल्म बनाई है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप वर्ल्ड सिनेमा को इंडियन सिनेमा से कैसे और क्यों जोड़ना चाहते हैं, उसके पीछे आपका क्या रीजन है? देखिए, मेरा मानना है कि पूरा विश्व गांव की तरफ मानसिकता हो, कोई किसी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन उस हर व्यक्ति को अपने, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी, चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को देश के लिए सोचना चाहिए और देश के लिए जान देने और जान लेने की बात होनी चाहिए. जिस लायक है वो देश के लिए जो काम करेगा उसे देश तरक्की करेगा, देश में सारे लोग समाहित है तो उसका लाभ सबको मिलेगा. किसी भी कंट्री पे रहने वाले हर व्यक्ति को देश के लिए सोचना चाहिए और राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पूर्ण होना चाहिए. आजाद सर, राष्ट्रपुत्र फिल्म बनाने के दौरान कामिनी दुबे जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, बहुत सहयोग दिया उन्होंने कदम कदम पे, जो भी उम्मीद से, क्योंकि किसी महिला प्रोड्यूसर का इस फिल्म में तैयार होना कि बच्चा से आजाद पे, जिस पे काम आज तक नहीं किया उस पर काम करना, पर जो वंदे मातरम हमने शूट किया है वो आजादी के 1920 के दरमियान गांधी के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में उस गाने को बैन कर दिया गया था, दुर्गा दशमी रानी, वो भी हमने दिखाया है. तो एक महिला होने के बाद में जिस तरह कदम से कदम मिला के उन्होंने हमारा साथ दिया और पूरी पॉमेटो की टीम ने जो योगदान दिया, उसकी वजह से इतनी शानदार बेहतरीन पिक्चर राष्ट्रपुत्रा बन सकी. हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आपकी दूसरी फिल्म किस विषय पर आधारित होगी. तो आजाद जी, कांस में सफलता मिलने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अब जिस तरह मुलाकातें वहाँ के लोगों से हुई है, कई लोगों से बातें चल रही है, मुझे लगता है कि जो फिल्म बनाई है लोगों ने, फ्रेंच भाषा में और इंग्लिश भाषा में, इसको रिलीज करने के बाद
हम लोग इंटरनेशनल मूवी पे काम करेंगे, एक उसी का मतलब बात चल रही है, देखते उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, हम लोग आप लोग बताएंगे हम लोग। तो क्या मैं ये मानूं कि आपकी आने वाली जो मूवीज हैं, जैसे कि अभी ये फिल्म है, इसमें आपने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व को जितनी गहराई से समझा, ना कि सिर्फ समझा बिल्कुल दर्शाया भी उसी तरीके से जो कि हम सब लोग जानते हैं, तो क्या आने वाली आपकी फिल्मों में भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड होगी किसी से? या देखिये, राष्ट्रवाद हमारा मूल है, राष्ट्रकवि है भारत के, उनकी कविता का बेस बना के हम सारा काम करें। जो सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पश निरा और मृतक समान है। जब मैं फिल्म बनाऊंगा, चाहे इंग्लिश फिल्म बनाऊ चाहे फ्रेंच बनाऊ, हिंदी की तो बात ही नहीं, उस हर भाषा में विचार हमेशा रहेंगे। राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय। राष्ट्र बड़ा कोई नहीं होता, चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो, ये देश यही है, राष्ट्र यही है। उसी थॉट के राष्ट्र का निर्माण किया हम लोगों ने, वो सम्मान मिला। अब अगली फिल्म जो भी बनाएंगे उसमें राष्ट्रवाद आपको दिखाई देगा, चाहे किसी भाषा में बनाए, किसी देश में बनाए, वो विचारधारा सनातनता की समझो, चाहे हिंदू की परंपरा का समझो, वो हर जगह दिखाई देगा आपको। सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज इन फिल्म जिस टाइप की जो चल रही है अभी, किस टाइप का क्या बनना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि फिल्में देखें, लेकिन उसमें वो कंटेंट जो परिवारवाद को जोड़े। आज की तारीख में चाहे भारत में भी परिवार अलग हो रहे हैं, लोग जैसे बड़े हुए नहीं कमाना शुरू करते नहीं, तो सोचते हैं नया फ्लैट ले लो, बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजार। ये बहुत गलत परंपरा पिछले कुछ सालों में भारत में शुरू हो गई, जो पहले बाहर था पाश्चात्य में था, वो ठीक नहीं। मेरा मानना है कि संयुक्त परिवार की तरह संयुक्त विश्व भी संयुक्त होना चाहिए। जब तक आज का यूथ अपनी सनातनता को नहीं जानेगा, अपने मूल की जड़ों को नहीं पहचानेगा, तब तक आगे ग्रोथ करने में आसानी होगी। हर आदमी विकिपीडिया देखता है, विकिपीडिया आगे हुई जानकारी है, जिसको अच्छा लिख दिया बुरा लिख दिया, ऐसे कई चीजें हैं। आप किताबें पढ़िए पुराने, अपने पुराने बुजुर्गों के साथ उठी बैठी, ताकि आपको राष्ट्रवाद से उत्प्रोत अपने सनातन भारत के जो गौरव को जानने का मौका मिले, वो बेस बनाए, जो मर्जी करी, देश प्रथम है, ध्यान रखिए। भारत में आपले एवढे विचारधारा है, तुमच्या मध्ये कसला विचारधारा असायला पाहिजे? मला वाटतं की या देशात जातिवाद विचारधारा चालू है आणि प्रांतवाद विचारधारा है, पण राष्ट्रवाद विचार सर्वांना जोडतं। तो आपल्या सर्वांना एकच विचारधारा घेऊन चालले पाहिजे, ते आहे राष्ट्रवाद। आणि संपूर्ण देशाबद्दल विचार करतील की आता मध्ये मुंबईत बसलो मी, आता मी अरुणाचल प्रदेशमध्ये बसलेल्या लोकांना आपलं समजणार, किंवा जम्मू काश्मीर लोक आहेत त्याला त्यांना मध्ये विचारणार ते आपले आहेत। जोपर्यंत ती विचारधारा लोकांत येणार नाही, विचार नाही करते, तोपर्यंत देश एकत्र कसा राहू शकतो? तर माझ्या डोक्यात ते पण आहे की सर्वांना तेच विचार करावं लागेल की आपण संपूर्ण एक आहेत। सर्वमान्य पद्धति लोकान जोपर्य एक विचारधारा नहीं होना, तो तरक्की को देश नहीं करना। फिल्म असो कि व्यापार असो कि शिक्षा संस्थान असो, सर्वान विचारधारा एकत्र वाइजे, ते है राष्ट्रवाद से विचारधारा। भारत में तुम्हारा पिक्चर एवडा मस्त प्रतिसद भेटला तुम्हारा, तुम्हारा कांस मध्य पिक्चर गए, तुम्हारा कस वाटते? छान वाटते, शंका नहीं कि आपका पिक्चर कांस मध्य गए। पहली रिवॉल्यूशनरी पिक्चर है, क्रांतिकारी कोणी क्रांतिकारी चाफी ग्राउंड वरती काम झालं होतं पूर्वी, त्या सुभाष चंद्र बोस लोकांनी काम केलं होतं, अजून काही भगत सिंग, पण कोणती पिक्चर कास मध्ये गेली नाही, त्या तिथे घेऊन जायला पाहिजे होतं। ते आपल्या प्रोड्युसर बाकी बॉम्बे टीमने जे प्रयत्न केले त्यामुळे तो आपली पिक्चर तिथे गेली, छिले छान गोष्ट आहे। आणि मला वाटतं की आपले जितके भी मेकर्स आहेत फिल्म मेकर्स, कोणत्या भाषामध्ये आपलं मराठी असो, हिंदी असो, पंजाबी असो, तमिळ, त्या सर्वांना कमीत कमी वर्षात एक पिक्चर क्रांतिकारी क्रांतिकारी लोकांवरती पिक्चर करायला हवं, जे ज्या लोकांनी आपली जान दिली या देशाकरता आणि आपण आजाद आहोत त्याच्यामुळे, त्याचं पिक्चर करायला हवं। त्यांनी जे लोक करतात सेक्सवरती प्रेमावरती पिक्चर, ते आवश्यक नाही आपल्याला, आपल्या सर्व एकत्र करणारी एकत्र करणारी पिक्चर पाहिजे, हे लोकांना डोक्यात ठेवायला पाहिजे। सर, एक और क्वेश्चन था आपसे कि अब जैसे कि ये फिल्म में कामिनी दुबे जी जो है प्रोड्यूसर, आजाद जी की जोड़ी ने बहुत धमाल किया है, कांस तक पहुंच गए और इतना सम्मान प्राप्त किया है, तो अब क्या ये जोड़ी नई नई फिल्म में और लेकर आने वाली और बॉम्बे टॉकीज इंटरनेशनली का बच्चन लहराने वाला है? देखिए, अभी अगली फिल्म में तो हम साथ में कर ही रहे हैं, हम लोग अगली फिल्म का कर रहे हैं, आगे पता नहीं प्रोड्यूसर और तालमेल कैसा रहेगा तो सामने जानता है, लेकिन अगली फिल्म साथ में कर रहे हैं ए टीम, और पूरी टीम वही है जो राष्ट्रपुत्र के दरमियान थी, उम्मीद करते हैं आगे भी साथ में काम करेंगे। सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और हम तो यही चाहेंगे कि आपकी बॉम्बे टॉकीज, आजाद और कामिनी दुबे जी की ये जोड़ी बिल्कुल लहराती रहे और इसी तरीके से हम सबको एंटरटेन करते, राष्ट्र का गौरव बढ़े, इससे बड़ी कोई बात नहीं। फिल्म मेरी हो किसी की हो, देश के बाहर भी जाए और राष्ट्रवाद की बात भी करे, ये चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम बॉम्बे टॉकीज म्यूजिक।
बनने।